सो फाइनली दोस्तों ओप्पो इंडिया के अंदर अपनी न्यू सीरीज ओप्पो F27 लॉन्च करने जा रहा है, जो कि 30 जून को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और इसके अंदर आपको दो फोन देखने को मिल जाएंगे, ओप्पो F27 प्रो और ओप्पो F27 प्रो प्लस। इन फोन की स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुकी है, उसके साथ में जो इनका इंडियन प्राइस है वो भी बाहर निकल कर आ चुका है, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले है ओप्पो F27 प्रो प्लस 5G फोन के बारे में, कि कैसा ये फोन है, कब ये इंडिया में लॉन्च होगा, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, बस आपको करना है क्या कि वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओप्पो F27 प्रो प्लस 5G फोन के डिजाइन की। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हो, इस फोन के अंदर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया है। बैक साइड में आपको वीगन लेदर डिजाइन देखने को मिल जाता है, जिसमें ऊपर की साइड आपको एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, बाहर की साइड आपको एक सिल्वर की प्लेट मिल जाती है, और ये जो कैमरा मॉड्यूल है इसमें आपको दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं। वहीं आपको नीचे की साइड ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। अगर फ्रंट साइड से देखें तो इस फोन के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले दी गई है, तो ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के मामले में तो ये फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज गौर करोगे तो ये फोन का डिजाइन आपको थोड़ा बहुत रियलमी 12 प्लस की तरह देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको 1 बिलियन कलर्स HDR10 प्लस और 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। प्रोटेक्शन के लिए इस फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का यूज किया गया है, और जैसा कि आपको इस फोन के अंदर कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो बेजल्स और चिन तो आपको काफी कम देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी इस फोन के अंदर काफी बेस्ट रहने वाला है। ये फोन पावर्ड बाय है MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट से, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और ये काफी तगड़ा प्रोसेसर है, जिसके अंदर आप अपने डेली टास्क, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क बिल्कुल इजीली कर लोगे। वहीं अगर इसके एंटूटू स्कोर की बात करें तो वो आपको 6 लाख के अप्रोक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि फोन के अंदर आपकी गेमिंग, मल्टीटास्किंग काफी फास्ट होने वाली है। वैसे तो आपको इस फोन में एक अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन यही अगर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया होता तो यहाँ पर बातचीत अलग होती और आप अपने सारे हैवी टास्क यहाँ पर कर पाते। इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दी गई है, जिसका मतलब ये है कि फोन के अंदर आप कोई भी ऐप को ओपन या क्लोज करते हो तो वो काफी फास्ट होने वाला है। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें कि मेन कैमरा आपका 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, और हो सकता है कि आपको यहाँ पर OIS का सपोर्ट ना मिले। वहीं आपका सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और इस फोन के अंदर आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा वाइज फोन के अंदर आपको काफी डिसेंट कैमरा दिया गया है, जिससे कि अगर आप फोटोज या वीडियो क्लिक करते हो तो एक अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है, लेकिन अगर इसके अंदर आपको OIS का ऑप्शन भी मिल जाता तो ये एक प्लस पॉइंट होने वाला था। दोस्तों ये फोन वर्ल्ड का पहला IP69 वाला फोन होने वाला है, जिसको अगर आप पानी में डुबो कर रखोगे या पानी में गिर जाता है बाई चांस तो भी इस फोन का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और आप इस फोन को आराम से पानी के अंदर भी यूज कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ में आपको 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन यही अगर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए होते तो ये इस फोन को काफी अच्छा बना देता। बाकी इस फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, इन्फ्रारेड पोर्ट जैसे काफी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं ओप्पो F27 प्रो प्लस 5G फोन के इंडिया प्राइस की। तो ये फोन आपको इंडियन मार्केट में 28,000 रुपीज के अप्रोक्स देखने को मिल सकता है, बाकी कार्ड और डिस्काउंट लगाने के बाद इसको आप 24,000 से 25,000 रुपीज के अप्रोक्स बाय कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन और अपडेट ओप्पो F27 प्रो प्लस 5G फोन के बारे में, जो कि हमने आपको बता दी है। और इन सारी स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद ये पता चलता है कि फोन के अंदर आपको कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, डिजाइन सब कुछ बेस्ट मिलने वाला है। ओवरऑल यहाँ पर आपको इस फोन के अंदर सब कुछ बेस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस फोन का प्राइस इंडिया में क्या होने वाला है, कमेंट कर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।